औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान वजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद उसाम माली साहब। उसाम माली साहब के बारे में आप बड़ा अच्छी तरह जानते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं, बिजनेस के बड़े बड़े आइडियाज़ रखते हैं, इसके साथ साथ रिलीजियस स्कॉलर हैं, इस्लाम की बात करते हैं, बाकी मजहब के हवाले से बात करते हैं, और साथ साथ एस्ट्रोलॉजी और इस्लाम को मिला के बातें करते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? ठीक है जी, मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। पर सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि ईद का जब चांद होगा, चांद के बाद नया हो जाएगा, सूरज ग्रहण के मामलात हो चुके होंगे, इमरान खान के जायचों में क्या नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें, जैसे ही चांद गिरन ने इमरान खान को सपोर्ट दी, आपने देखा कि जजेज उनके हक में हो गए, फैसले हक में आने लगे। सूरज गिरन ने भी इमरान खान को सपोर्ट देनी है, और रही सही कसर जो रहती होगी आपके प्रोग्राम में, मैंने पहले भी बताया था कि जी चांद गिरन की जो कसर होगी वो सूरज गिरन निकाल देगा। तो इस हिसाब से देखो तो एक तरफ से लगता है, रीलोकेशन भी 10 मार्च से पूछ था, तो इस हिसाब से देखो तो लगता है कि जैसे ईद घर करें ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा हाँ, ऐसा हो सकता है, इसमें कोई इतने भाम की बात नहीं। हम सितारों पे देख के बात करें तो फिर ऐसे ही लगता है। अच्छा, फिर यह है कि 20 अप्रैल से पहले आपको याद नहीं है रीलोकेशन हमने प्रेडिक्ट की थी, 10 मार्च से उनकी जगह की तब्दीली की बातें शुरू हो गई थी। तो फिर आप याद ये भी करें कि जब जगह की तब्दीली की बातें 10 मार्च के बाद ही क्यों शुरू हुई? पहले भी तो प्रोपेगेंडा हो सकता था ना, उसी वक्त क्यों हुआ कि बातों में बात थी। अब भी ये बात है कि जनाब जब चांद, जब हमने एक प्रोग्राम में 26 मार्च का कहा, लगा जी उसको क्या होना था, लोग तो इसको जो देखें जो एस्ट्रोलॉजी को नहीं पता, जारी बात हमारी कॉम में इतनी अवेयरनेस नहीं रही इसकी, ये बड़ा हराम अमल रहा है इतना अरसा। ये तो अब शुक्र है कि मैंने आके इनको कहा कि भाई फतवा लाओ, इनाम लो, तो जान छूटी है कहीं से। मतलब वो अभी भी मैं देखता हूँ कि मिर्जा मोहम्मद अली जैसे जो है पढ़े लिखे लोग भी वही उसी तरह पुराने रिवायती तरीकों से बात करते हैं, हालांकि मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जब तक वो किसी एस्ट्रोलॉजर को बुला के उससे डिस्कशन ना करते, डिबेट ना करते कि हाँ भाई असल में एस्ट्रोलॉजी होती कैसे, काम कैसे करती। तूने एक फंक्शन ही नहीं देखा तो उसको सीधा तून रखा पुरानी उस पर। तो बहरहाल ये तो हमारा पुराना कौमी रविश है, और ये इतनी बहसें किस बात पे करते हैं। इनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे नमाज जो है चौक पे सरेआम लाखों लोगों के साथ जाहिर का अमल है, लेकिन इनको अभी तक ये नहीं पता हाथ किधर बांधने हैं, बांधने हैं कि छोड़ने हैं। तो ये बातें करते हैं कि इनको ये पता होना है कि एस्ट्रोलॉजी हराम है या हलाल है। वैसे से मतलब फिर मुझे वो अचानक बात कहीं और चली जाएगी कि ये इनके दिमाग देखो ना, इनको अभी तक ये तो पता नहीं हाथ बांधे थे कि छोड़े थे, इनको ये पता है कि एस्ट्रोलॉजी हराम है कि हलाल है। बहरहाल अगली बात ये है सर कि ये जो आपकी जो मामलात हैं इसके, खान साहब की हद तक लगता ऐसे है कि बेहतरीन पुश आएगा 8 के बाद, खान साहब की रीलोकेशन होगी होगी। बेस्ट टाइम तो देखें 20 अप्रैल डेडलाइन है, पूरा जोर लगता रहेगा लगता रहेगा। अब इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लोग कहते हैं चीजें कई दफा एस्ट्रोलॉजी में होती हैं कई दफा होती नहीं है, उसकी मैं रीजन बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे एस्ट्रोलॉजी तो एक मुशाहिदात का इल्म है, उस मुशाहिदे की बुनियाद पे हम ये कह देते हैं, निशानियां लगा लेते हैं बंदों की कि यार ये जो है बंदा, इसका रूलिंग प्लैनेट मून है। अब चांद जब जिस दिन 14वीं पे होगा ना, इसका मूड बड़ा जबरदस्त होगा, ये शॉपिंग पे जाएगा, उछले कूदेगा, क्यों, खून का बहाव इसका तेज होगा क्योंकि इसका असेंडेंट, या ये 2 नंबर है, मतलब इसका ड्राइवर नंबर 2 है, या ये जो है कैंसर इसका वो है रूलिंग प्लैनेट जिसका मून है, कैंसेरियन है। लेकिन इस सब के साथ अगर भाई साहब की उस पिछले जब कोई इवेंट हुआ हो, कोई खुदा न खास्ता जैसे अब मार्स और सैटर्न इकट्ठे बैठे हैं, कई इसमें हादसात मतवक्के हैं, कई आफात मतवक्के हैं, अब इस आफत के नतीजे में एक जनाब की टांग ही चली गई, अब ऊपर आके चांद इसको क्या छलांगे मरवा लेगा वो बता दें, समझ रहे हैं, टांगे ही नहीं रही भाई इसकी, ये अब चांद इसको बाजार लेके जाने लगे। हाँ, इसका दिल उछल जरूर रहा होगा लेकिन टांगे काम नहीं करेंगी, बात समझे। इसी तरीके से जो रीलोकेशन की बात थी, पॉजिटिवली उसने पुश मारना था,
नॉर्मल हालात होते तो खान साहब बनीगाला से जमान पार्क पहुंचे होते, बनीगाला ना रहते जब मैंने ये प्रेडिक्शन उस वक्त देता। अब भी यह है कि अडियाला छोड़ना भी पूरा जोर लगेगा, जो आपको हवाओं में भी नजर आ रहा है, केसेस तेजी तेजी से उड़ने लग गए, चांद गिरन सूरज गिरन। तो पॉजिटिव अगर इम्पैक्ट को देखा जाए तो 15 अप्रैल जो है बेस्ट टाइम है, 8 से 15, 8 से 15 बेस्ट है। लेकिन टेक्निकली फिर ईद ही घर हो जाए यार, जब इतना ही सब होना ही है तो फिर ईद ही घर करा दो चलो और अच्छे बन जाओ, क्योंकि सितारे तो छुड़ाने पे हैं, जिन्होंने सितारों पे रस्से डाले हुए, कमान डाली हुई है, असल तो उन पे है। तो वो फिर अगर आप छोड़ने का जैसे कहते हैं फैसला हो ही गया तो फिर ईद ही करा दो ना, जब नहीं काबू कर सके। तो ये शायद मतलब ईद खान साहब करें, वरना 20 अप्रैल तो मैक्सिमम डेडलाइन है ना, उसके बाद तो फिर ये रुक जाएगा मामला। 20 अप्रैल तक खान साहब का ये जो पुश है, इनको रिहा करा दे, इनकी रिलोकेशन कर दे, इनको यहाँ से कहीं ले जाए तो बहुत अच्छा है। अगर ये 20 अप्रैल गुजर गई फिर ये कहानी बहुत आगे जाएगी, फिर इतनी जल्दी नहीं होगी। आपने बातें सुनी मोहम्मद हमारे साथ की, जो बात कर रहे हैं कि 20 अप्रैल तक खान नजर आ रहे हैं, रिलोकेशन होती नजर आ रही है, ये भी पॉसिबल है खान साहब घर पे ईद करें। सर अगर मैं बात करूं बुशरा बीबी की, बुशरा बीबी के जायचों में क्या नजर आ रहा है? देखिए बुशरा बीबी का तो जो मामला आते हैं वो ऑल गुड, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखें कि वो आप लोग जब कैद का पूछते थे वो कोई जेल तो आई नहीं, और जो केस था वो खत्म, एक इद्दत वाला रह गया वो भी बस आसरे पे है, क्योंकि जजेस ने तो आप आसरा नहीं करना, आप जजेस तो आप केस उड़ा के रख देंगे सारे, ये जितना टाइम जाया होना था वो हो चुका है। ये तो अब कहानियां सिर्फ छुट्टियों छुट्टियों की आपके दरमियान में, अदलिया पूरी खड़ी हो जानी अल्लाह के बंदे, ये इनको समझ ही नहीं आ रही। अदलिया का छोटे से छोटा जज से लेके सारे खड़े हो जाएंगे, और क्योंकि एक पाकिस्तान में देखें एक बात समझें, किसी मिनिस्टर को मसला हो अदलिया, किसी आम आदमी को मसला हो उस अदलिया, सरकारी प्रॉब्लम हो, आईन के मामला हो, आपकी पार्लियामेंट के इश्यूज हो, अदलिया, अगर अदलिया ही ना रही तो फिर पाकिस्तान क्या अहमियत रखता है, इसका सिस्टम या गवर्नेंस कैसे चलेगी, तो मैं नहीं समझता। और जजेस जो है हमारे इतनी भी बात नहीं है कि कौम एक बाइज्जत ओहदा है, एक बाइज्जत पेशा है, इज्जत मिलती है, जिंदगियों के फैसले हैं, तो इतना भी नहीं होता कि बिल्कुल ही अल्लाह माफ करे आबे का आबे ही बिगड़ जाए। आखिर ये अल्लाह ने इनको इज्जतें दी हैं, ये कुछ डिजर्व करते हैं, और ठीक है कुछ शैतान ज्यादा या जिन ज्यादा हो जाते हैं जब कोई वीनस के टाइम आते हैं, याशियां वीनस में, असल में हुसन ये है ना कि उधर से लग्जरी आती है। अब वीनस में सारे आइटम सुन लेना, वीनस में मेकअप है, वीनस में मीडिया है, गाने हैं, इंटरटेनमेंट है, लग्जरी है, ब्रांड है, औरत है। अब ये सारी चीजें जब आती हैं तो फिर औरत भी आ जाती है, कहीं ना कहीं टांके हो जाते हैं इनके अफेयर्स इसमें, क्योंकि सेम टाइम पे ब्रांड भी आ रहा है, सेम टाइम पे ये वो, एक कट्ठा ही वीनस के इम्पैक्ट होते हैं कट्ठे। अब बंदा क्या करे, अब बंदा वही है कि जो खुदा के खौफ में मुबतला नहीं है वो थड़केगा, वो थड़क गया, बस वो वैसा थड़कता है कि फिर वो वीनस तो आके चला जाता है, वो जो उसकी दिशा या अंतर दिशा या कोई भी, लेकिन बंदा वहीं फंसा रहता है, वो शैतान ज्यादा हो जाता है, शैतान उसको ले जाता है नरगे में। यही अब केतु का टाइम चल रहा हो, वो तस्बीह पकड़ के बैठा होगा, अल्लाह अल्लाह करेगा, फिर वो कहेगा डिटैच डिटैच, मतलब वो डिटैच करता है कि तू जिधर भी आ जाए, रूहानी मामला को इंक्रीज कर देता है। तो ये जो अदली है आपकी, ये इस वक्त मैं नहीं समझता कि मकाफात था ना, जस्टिस का था ना, उस वक्त आप लोग नहीं मान रहे थे जब मैं जनवरी में कह रहा था कि जज खड़े हो जाएंगे, देखिएगा जजेस का वो, अब जब हो गया तो उन्होंने कहा जी ऐसी तो प्रडिक्शन किसी ने दी नहीं थी जजेस के मुतालिक, कि अदलिया के अंदर से लोग खड़े होंगे, ऐसा किसी पाकिस्तान इंडिया कहीं भी किसी ने ये प्रडिक्ट नहीं किया था कि जजों के अंदर से जज खड़े हो जाएंगे, और आपने देखा वो हो गए। अगर अब वो हो गए हैं ना तो अगली ले लें कि उन्होंने केस कोई भी नहीं रहने देना, ये सारे उनको भी पता है कि ये बड़े जबरदस्ती चलाए गए केस हैं, आप पे आज ये केस कर दो कल आप जमानत ले लोगे, बिल्कुल ठीक जमानत ले सकते हैं। तो इमरान खान का मतलब वो पंजाबी में क्या कहते हैं, नाक भागदा होगा। बिल्कुल सही है नाज़रीन, आपने बातें सुन ली मोहम्मद सामरी साहब की, बता रहे हैं खुशखबरी दे रहे हैं, और जो कहा जा रहा है कि
हो सकता है इमरान खान घर पे ईद करें, नहीं तो 20 अप्रैल तक उनकी लोकेशन चेंज होती नजर आ रही है, अडयाला की बजाय किसी और जगह नजर आ रहे हैं। अल्लाह ताला सब पे रहम करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, अल्लाह ताला आप सबका आमीन असर आतफ मजीद और मोहम्मद सामरी सबको दीजिए जान। अल्लाह हाफिज़।